मछली जल की रानी है, चटनी के साथ खानी है। जी हाँ, दिल्ली की सर्दी आ चुकी है और अगर आपको हम फिश के वीडियो ना दिखाएं ऐसा हो नहीं सकता। ऐसी ही एक बहुत ही मशहूर दुकान पे आए हैं और यहाँ पे काफ़ी वैरायटी है फिश की। फिश पकोड़ा है, ग्रिल वाला भी है। कहाँ आए हैं, क्या खाने आए हैं, क्या रेट है, सब कुछ दिखाएंगे। चलिए मेरे साथ, लेट्स गो। तो आज हम आए हैं मुर्गा मार्केट। जी हाँ, मुर्गा मार्केट जो कि अशोक विहार न्यू दिल्ली में है, सड़क के बीच में। देखिए 333 सहनी फिश एंड चिकन कॉर्नर का साइन बोर्ड लगा है। हम इसी दुकान पे आए हैं और आपको ये दिखाते हैं। इसके दूसरी तरफ ये पूरी मार्केट है और ये मार्केट में सामने ग्रीन साइन बोर्ड दिख रहा होगा आपको, सहनी फिश चिकन कॉर्नर। जी हाँ, हम यहाँ आए हैं। चलिए अब आपको शॉप दिखाते हैं। तो लीजिए, सहनी फिश की शॉप के बिल्कुल बाहर आप देख सकते हैं, कोई सिटिंग का खास अरेंजमेंट नहीं है। बाहर 2-3 टेबल लगे हैं, वहीं पर आप बैठ के फूड इंजॉय कर सकते हैं। और ये सामने आपको ले चलते हैं, दुकान का थोड़ा सा क्लोजअप दिखाते हैं आप। तो लीजिए ये देखिए, और ये यहाँ पे इनका साइन लगा हुआ है, यहाँ पे वैरायटी लिखी है जो काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ पे चीज़ें फिश फ्राई, बटर चिकन, चिकन लेग, चिकन टिक्का, सैल्मन फिश, तंदूरी फिश, पॉम्फ्रेट, चिकन रोल्स, बटर फिश, प्रॉन्स, फिश ऑले, चिकन सीख कबाब, ये सब यहाँ पर मिलता है। तो लीजिए, इनकी मैं आपको जो डिस्प्ले में है आइटम्स वो दिखाता हूँ। ये फ्राई फिश है जो कि 450 रुपये के 7 पीस लिखे हैं, ये ऑलमोस्ट 250 ग्राम के करीब है। नेक्स्ट ये तंदूरी फिश है, उसके आगे देखिए सैल्मन फिश है जो कि 480 के 5 पीस हैं। पम्फ्रेट है और ये झींगा मसाला सीख कबाब भी है यहाँ पे फिश के साथ, और ये चिकन टिक्का, और वो कॉर्नर में देखिए लेग पीस। और थोड़ा सा आपको नीचे डिस्प्ले में दिखाते हैं, अगर आप अंडों के शौकीन हैं तो यहाँ पे फ्राई अंडे भी हैं। तो ये आप पीछे देख सकते हैं, ये इनका ग्रिलर है और ग्रिलर के लिए हमारे लिए बढ़िया बढ़िया मुर्गा बन रहा है। और हमें सिग्नल आ गया है कि मुर्गा तैयार हो गया। तो भैया दिखाओ निकाल के कैसा है। और ये देखिए, ओ ये देखिए, ओ वाह, अरेबियन चिकन लेग, वाह, दिस लुक्स ऑसम, वाह जी वाह। तो ये भी हम खाएंगे, इससे पहले यहाँ के दुकानदार जो हैं, जो इस दुकान को चला रहे हैं, उनसे बात करते हैं। तो रमन जी जो इस दुकान के कर्ता धरता हैं, वेलकम टू चैनल भूखा सांड। कितने साल हो गए इस दुकान? इसको 44 इयर्स हो गए हैं। अच्छा, जो ये वाला आउटलेट है अशोक प्यार वाला, इसको भी 3 इयर्स हुए हैं। अच्छा, लेकिन ये मेरे दादाजी के टाइम से चलता आ रहा है। तो ये 1975 में हमारा ओपन हुआ था, परमानंद कॉलोनी नियर मुखर्जी नगर में। अच्छा, वहाँ से फिर दादाजी के बाद पापा के बाद हम थर्ड जनरेशन आ चुके हैं। इस आउटलेट को 3 साल हुए हैं, वैसे उससे ज़्यादा टाइम हो चुका है। और टाइमिंग्स का अगर मैं आइडिया लूँ तो टाइमिंग शाम को 5:30 से लेकर रात को 11 बजे तक, और किसी दिन बंद भी रहती है? ट्यूसडे क्लोज रहता है और नवरात्रों में क्लोज रहता है, उसके अलावा कोई ऑफ नहीं। अच्छा, और फिश सिर्फ विंटर्स में रहती है या गर्मियों में भी? 12 महीने फिश मिलेगी आपको। 12 महीने फिश रहती है, बिल्कुल। और हमें क्या सजेस्ट करेंगे, हम क्या ट्राई करेंगे आपको? आपको मैं सजेस्ट करूँगा हमारी सिग्नेचर डिश फिश फ्राई, हाँ जी, एग पकौड़ा, हाँ जी, उसके अलावा चिकन लेग अरेबियन, अच्छा, और वन ऑफ द आपकी फेवरेट पॉम्फ्रेट फिश। चलो थैंक यू जी। फिश तैयार है तेल में तैरने के लिए, तो आइए ये देखिए, ये 2-4 मिनट लगेंगे इसको पूरे बढ़िया से फ्राई होने में। 2-3 आइटम्स और मंगवाई हैं, वो भी दिखाते हैं। ओहो, बढ़िया सुनहरी रंग। इसमें इनसे पूछते हैं कि जो ऊपर मैरिनेशन होती है कि उसमें दही वगैरह या बेसन वगैरह यूज होता है? नहीं, इसमें दही बेसन कुछ यूज नहीं होता है, इसमें अपने ही 9 तरीके के स्पाइसेस होते हैं जो दादाजी के टाइम से आज तक सेम चलते आ रहे हैं, नौ तरीके के जो इनकी मसाले हैं वो तैयार किए गए हैं, वो डाले जाते हैं, कोई दही नहीं, कोई बेसन नहीं। ओ वाह, क्या रंग निखर गया, हाफ डन हो गया ये। अब इसको हम 5 मिनट बाद दोबारा फ्राई करेंगे ताकि अंदर से भी अच्छे से पक जाए। तो ये हाफ डन हो गया है और इसको 2-4 मिनट के बाद दोबारा डाला जाएगा ताकि अंदर से अच्छी पक जाए और क्रिस्पी भी काफी हो जाएगी।
और जो इसकी मेन चीज है हम ये सिर्फ मस्टर्ड ऑयल में फ्राई करते हैं। मस्टर्ड ऑयल में फ्राई किया जाता है। वाह जी वाह। फूड हमारे टेबल पर सर्व हो गया है, लेकिन फूड ब्लॉगर का धर्म है पहले अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए फ़ोटो क्लिक कर ले, उसके बाद खाए। और अगर आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो ये स्क्रीन के साइड पे आपको मेरे इंस्टा और फेसबुक हैंडल्स मिल जाएंगे, जाइए फॉलो करिए। और अगर आपके पास कोई सजेशन है या कोई आप जगह रिकमेंड करना चाहते हैं तो उसके थ्रू कर सकते हैं। और छोटी मोटी गप्पे मारनी हो या मेरे वीडियो में आना चाहते हो तो वहाँ मैसेज करके आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एक फ़ोटो और उसके बाद आपको टेस्ट के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले ये इनकी फ्राइड फिश है जो कि सुरमई है, और इसके बराबर में ये देखिए ये ग्रिल फिशर, ये सैल्मन फिश यूज़ की गई है, और ये देखिए फ्राइड पॉम्फ्रेट। साथ में ये देखिए, ये अभी आपको हमने एक ग्रिल चिकन दिखाया था, ये वो है। इसके बराबर में देखिए टिक्का है, ये भी ग्रिल्ड है। और ये देखिए अंडे के पकोड़े। सबसे बढ़िया इस जगह के बारे में ये चीज़ मैंने नोटिस की कि अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो इनके ग्रिल वाले फिश मंगवाइए, चिकन मंगवाइए, और अगर आप फ्राइड में शौकीन हैं तो फ्राइड तो आप मंगवा ही सकते हैं। तो ये देखिए पहले नींबू निचोड़ लिया जाए। और फिश जब बन रही थी हमने इनसे पूछा था तो ये इसमें ना तो दही का इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही बेसन का। और ये देखिए अच्छे से अंदर से पकी हुई है, और चटनी भी प्रॉपर पूरी पुदीने की, आपकी चॉइस है। मूली के साथ इंजॉय करिए, प्याज के साथ इंजॉय करिए, मूली का सीज़न है और मुझे तो मूली के साथ फिश का ज़्यादा मज़ा आता है। मुंह में रखते ही गुलगी। और जो इन्होंने चाट मसाला ऊपर यूज़ किया है और जो मैरिनेशन है, पता लग रहा है कि यार कोई एक बढ़िया सी आप फ्राइड फिश खा रहे हैं। दिस इज़ गुड टू गो। अब इनकी ये सुरमई ट्राई की जाए। ये देखिए सुरमई बहुत ज़्यादा फेमस है दिल्ली में, बहुत ज़्यादा सुरमई पे जोर दिया जाता है, जबकि हरियाणा पंजाब जाओ तो आप सिंगाड़ा वगैरह दूसरी फिश पे जोर ज़्यादा रहता है। बहुत बढ़िया। अगर मैं टेस्ट की बात करूं, जो इसकी मैरिनेशन है और जो प्रॉम्फ्रेट खाया मैंने ऑलमोस्ट सेम है। ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप किस टाइप की फ़िश पसंद करते हैं। तो अगर आप सुरमई पसंद करते हैं तो आप सुरमई ट्राई कर सकते हैं, फ्लेवर्स ऑलमोस्ट सेम है। तो मेरे जिम वाले दोस्तों हो जाओ तैयार, क्योंकि ये डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए बढ़िया सैल्मन फिश है जो कि ईजिली हर किसी दुकान पे नहीं मिलती, यहाँ मिल रही है। और ये भी ग्रिल्ड, तो इसमें ओमेगा आपको पता ही होगा, सैल्मन बहुत ज़्यादा रिकमेंड की जाती है ओमेगा की वजह से, तो ये यहाँ पे ग्रिल्ड है। तो जिम वाले दोस्तों ये बढ़िया रहेगा यहाँ पे। टेस्ट का ये कहूँगा, जैसे जो फ्राइड वाली इनकी थी फिश उसमें बड़े स्ट्रॉन्ग फ्लेवर थे, इसमें हल्के फ्लेवर हैं, लेकिन जो चटनी है उससे टेस्ट एनहांस हो रहा है। तो डाइट की डाइट, टेस्ट का टेस्ट, और ओमेगा और प्रोटीन सब कुछ मिलेगा आपको। तो ये देखिए ये ग्रिल्ड चिकन पेश हो गया है जो कि मेयो के साथ सर्व किया गया है। तो देखते हैं, मेयो के साथ मैं जनरली मैं प्रेफर नहीं करता, लेकिन इसका टेस्ट देखते हैं। ये देखिए ग्रिल्ड चिकन टिक्का। अमेजिंग। अगर आप नॉर्मली जो चिकन है, चिकन तंदूरी चिकन या बारबेक्यू चिकन को खा खा के बोर हो गए, तो इनका एक बार ये ग्रिल चिकन ज़रूर खाएं। बहुत ही एक हल्का सा एक क्रीमी फ्लेवर आ रहा है जो कि इस चिकन टिक्का को बड़ा जूसी बना रहा है। हल्की सी मिर्च है जो पहले आप ज़ुबान पे रखेंगे तब नहीं पता लगेगा, जब अंदर निकल जाएंगे तब हल्का सा हिट आता है। बहुत बढ़िया फ्लेवर रह गया, तो मेरे को तो ये बहुत बढ़िया लगा और थोड़ा सा डिफरेंट है जो जनरली बाजारों में मिलता है टिक्का। तो लीजिए अब चिकन टंगड़ी का
इसका ये देखते हैं कि जो अभी चिकन टिक्का खाया उससे थोड़ा डिफरेंट है या सेम है टेस्ट, क्योंकि दोनों ही ग्रिल्ड है। चटनी के साथ मज़ा आएगा, इसको चटनी के साथ ट्राई करते हैं। ये देखिए, मुझे लग रहा था कि दोनों का टेस्ट सेम होगा, टिक्का और ये टंगड़ी गाल, लेकिन नहीं, उसके फ्लेवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसमें थोड़ा स्मोकी फ्लेवर ज़्यादा है, तो ये मेजर डिफरेंस है। उसमें थोड़ी सी मिर्च तेज थी, इसमें मिर्च थोड़ी सी कम है, लेकिन ये भी जूसी है, बिल्कुल बढ़िया है ये भी। बहुत बढ़िया। अब मेरे लिए सबसे बड़ी दुविधा ये है कि इसमें मुझे सबसे ज़्यादा स्वाद क्या लगा। एक मेरा ये अंडा पकोड़ा रह गया है, ये भी ट्राई कर लेते हैं, लेकिन अगर सोचूं तो मेरे लिए डिसीज़न बड़ा मुश्किल हो गया कि एक चीज़ सबसे बढ़िया क्या लगी। मेरा तो ये है कि मुझे फ्राइड फिश भी पसंद आई, ग्रिल्ड फिश भी पसंद आई, पॉम्फ्रेट तो बढ़िया है ही है, और चिकन बहुत बढ़िया लगा क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट भी डिफरेंट है। तो ओवरऑल रेटिंग मैं इसको देता हूँ 8.5/10 में से, और मौसम भी फिश का है और चिकन का तो पूरे साल मौसम रहता है, और ये जो ठंडक वाला मौसम है इसमें तो ऐसी चीज़ें खाने का मज़ा ही अलग है। आइए खाइए, दोस्तों को भी बताइए कैसा लगा, वापस आके कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरे पास 2-3 फिश की मैंने जगहें और शॉर्टलिस्ट करके रखी हैं। चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा तभी पता लगेगा ना कि बढ़िया खाना कहाँ मिलता है। तो होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगली बार तक के लिए बाय।